हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, का हाल बा भाई लोग। तो अभी मैं आया हुआ हूँ NTR मेमोरियल के पास में, और जो कि NTR गार्डन के बाजू में पड़ता है। तो इसकी जो डिज़ाइन की हुई है वो बहुत ही अच्छी है, तो इसके अंदर चलेंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इंडिया की खूबसूरती आपको कोई नहीं दिखाएगा, इसलिए वीडियो को देखिए आप अंत तक। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। नेकलेस रोड जो है उसके पास में ये गार्डन है, NTR गार्डन, उसके यहाँ पे ये मेमोरियल है एक, तो ये भी घूमने वाली जगह है। यहाँ पर आप घूम सकते हैं, अच्छे से सीन्स वगैरह है, देख लीजिए आप इसको, बहुत बढ़िया जगह है भाई। अभी हम लोग यहाँ पे घूमने के बाद फिर जाएंगे NTR गार्डन जो बाजू में है, उसमें चलेंगे घूमने के लिए। ये तो भाई ऐसी जगह है कि लग ही नहीं रहा भाई कि यहाँ पे इंडिया के अंदर है, ये एकदम बाहर जैसा सीन लग रहा है। अभी ये फील्ड में मैं बैठा हुआ हूँ, और ये हमारे भाई हैदराबाद से हैं, मैं बिहार से हूँ, ये हैदराबाद से हैं। और अभी तक मतलब कि हम लोग के अंदर जो बात हुई बहुत अच्छी बात हुई, और अच्छा तालमेल रहा हम लोग का, मतलब कि अच्छे भाई हैं, इनसे बात करके अच्छा लगा, हैदराबाद के भाई। और मुझे बस नाराज़गी इस बात की है कि कहीं पर भी यहाँ जाता हूँ हैदराबाद के अंदर, तो मैं इस बात से नाराज़ हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पर या तो वीडियोग्राफी नॉट अलाउड बोल देते हैं, या तो फिर कैमरा उसके अंदर अलाउड नहीं है। तो भैया आप बताओ कुछ हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद तो नवाबों का शहर है, और कैमरा तो अलॉट नहीं दे रहे, एक जगह दिए तो एक जगह रेंट फुल है, 600 रुपये कौन लेता बोलो। ये जो गवर्नमेंट है ना वो कब्जा कर चुकी है, तो वो हैंड ओवर कर चुकी है, वो उसके रूल्स के हिसाब से सब चल रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा चल रहा है, गवर्नमेंट के रूल से चल रहा है, ताकि तेलंगाना गवर्नमेंट है ना उसके हिसाब से सभी चलता है। चलो भैया, बाकी चीज़ तो मुझे अच्छी लगी यहाँ की, और मुझे यहाँ का कल्चर भी अच्छा लगता है, लोगों का, लोगों से बात करके भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ की जो बिरयानी फेमस है, बिरयानी भी हम खाएंगे, उसकी भी वीडियो मैं शेयर करूँगा। और मंदी भी जो है, मंदी भी आप लोग भी आना तो मंदी और बिरयानी जरूर खा के जाना, और वो आरकस की मंदी खाना, चार मीनार, और एक हलीम, और हलीम भी खाना, बल्ले पल्ली का शोरमा खा के जाना आप लोग, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे से फिर चलते हैं NTR गार्डन की तरफ। आप सोच रहे होंगे ये भाई कौन है, मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, अब भाई अचानक मिल गए, ऐसी दोस्ती हो गई, बोलते ना अचानक दोस्ती होती है, अच्छी होती है, दूर की दोस्ती, वो बोलते हैं ना अजनबी से जो दोस्ती होती है वो कमाल की होती है, ऐसी ही कुछ दोस्ती जो है हम लोगों के बीच में हुई, कल मिला और आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। अब हम लोग आगे भी ये दोस्ती कंटिन्यू में रखेंगे इंशाल्लाह, मैं उनके पास जाऊँगा, हम इधर आएंगे इंशाल्लाह, और हम लोग यहाँ फिरेंगे, साथ में लेके फिरूँगा भाई को। और आप लोग बोलना कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये देखिए, ये आदमी आ रहे हैं, इनके दो पैर हैं, किसी के यहाँ पे तीन पैर नहीं है। फुल मौज में है भाई, फुल मौज, किराक हैदराबादी किराक। चलिए भैया, NTR मेमोरियल तो घूम लिया हम लोग, अब यहाँ पे थोड़ा भुट्टे खा लेता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग NTR गार्डन। NTR यहाँ, ये हमारे साथ श्रीकांत भाई है, अभी अभी मिले हैं यहाँ पे NTR गार्डन के पास में। अच्छे भाई हैं, इनसे बात करके अच्छा लगा, यहाँ के जो भी लोग होते हैं, जो भी तेलंगाना के, तो उनसे बात करके अच्छा लगता है। चलो भैया, पहुँच चुके हैं NTR गार्डन की तरफ, और ये यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए, और इसे एंट्री करेंगे, एंट्री गेट है, टिकट लेते हैं, उसके अंदर जाते हैं।
तीन टिकट देना भैया, तीन टिकट। तो ये ले लिया मैंने टिकट और करते हैं एंट्री। मैं बाबू नालू रे टिकट लो आने वाला है। हां ओके फाइनली आ गए एनटीआर गार्डन के अंदर। ये पारामिड है, दो पारामिड है, ये एंट्री गेट है सारे, लेकिन अभी अलाउड नहीं। पूरा एंजॉय करने की जगह है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के फाउंटेन्स वगैरह अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। ये खिलौने की दुकान है यहाँ पे। ये जो हमारे समीर भाई है ना, ये बोल रहे हैं आप मत जाओ बिहार, यहीं सेटल हो जाओ। कोशिश करूंगा मैं सेटल होने की यहाँ पे हैदराबाद में, मुझे भी अच्छा लगता है हैदराबाद। महीने में तो भी आके जाओ, बोल रहे हैं कि महीने में भी आके जाओ, लेकिन आप आओ वन वीक रह के जाना। अब देखता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी इधर सारा मैं घुमा दिया आप लोग को, और अब वहाँ चलेंगे उस पाइप के अंदर जो है हम लोग घूमेंगे, देखते हैं कैसा लगता है उसके अंदर, मज़े करते हैं। तो अभी अगर ये खुला होगा तो इसका टिकट लेंगे और फिर इसमें चलेंगे अंदर, देखते हैं कैसा लगता है इसके अंदर। तो बैग में से पावर बैंक डाल जाके साउंड हो गया क्या? बाकी सारी चीजें यहाँ की आप तो देखिए, एंजॉय कीजिए। ये जो ब्रिज है ना, मैं इस ब्रिज की बात कर रहा था। नहीं नहीं स्विमिंग पूल नहीं है इसके अंदर। बोटिंग कर रहे हैं भाई, अच्छा गार्डन है। आप भी आओ यहाँ तो एक बार घूम के जाओ, अच्छा गार्डन है ये, बहुत बड़ा है और अच्छा है एनटीआर गार्डन। ये बोल रहे तुम लकड़ी का? अरे नहीं वो पीछे वाला बोला मैं, वो इस पे चढ़ेंगे क्या? जेंट व्हील नहीं यार वो नहीं, डरा दे रहे। पहले
पहली बात कि आपने घबराना नहीं है, आप अगर चैनल पे आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो पूरी वीडियो देख के जाना है, आपने घबराना नहीं है भाई। आते हो आप लोग घबरा जाते हो। ये भी बच्चों को लाए तो यहाँ पे घुमाते बच्चे लोग। तो गाइज यही थी NTR गार्डन की पूरी कहानी। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय। जो जो तारा भाई वीडियो बनाते रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक है भाई लोग वीडियो बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके।